नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूँ। एक जहाज 15 भारतीय लुटेरों के चंगुल से कब छूटेंगे? इंडिया के वो तीन चेहरे 24 के मिलन में बड़े रोड़े। कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ। 24 में 400 पार, बीजेपी के साथ आरएसएस तैयार। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सोमालिया में दहशत की। सवाल 15 भारतीयों का है जो शायद समुद्री लुटेरों के कब्जे में है। नेवी एक्शन में आ चुकी है, आगे का प्लान क्या है सब हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर सियासत से जुड़ी हुई है, जहां इंडिया गठबंधन में सिर्फ तीन चेहरे ही सियासी चर्चा में हैं। तो क्या ये तीनों इंडिया के मिलन में रोड़े हैं? आखिर और कितना इंतजार करना होगा और कब वो घड़ी आएगी जब सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन की टेबल पर आ जाएगा? तीसरी खबर में बीजेपी के मिशन 400 की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा किन मायनों में खास है? बंगाल से लेकर बिहार और हिमाचल से राजस्थान तक बीजेपी का प्लान क्या है? और आरएसएस कैसे 2024 के लिए बीजेपी की राह आसान बनाएगी, इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। सभी खबरों का सटीक विश्लेषण करेंगे, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम में हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे सोमालिया में मुश्किल में घिरे भारतीयों को कैसे मदद मिलेगी। साथ ही सियासत की नब्ज टटोलने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। इन तमाम लोगों के पास आपको मैं लिए चलूंगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है देश के लिए, अभी की बहुत बड़ी खबर, अगवा जहाज की ओर बढ़ा आईएनएस चेन्नई। देश के लिए अभी की बहुत बड़ी खबर है, 15 भारतीयों को छुड़ाने के लिए अलर्ट पर नौसेना। सोमालिया के तट पर अगवा हुआ है यह कार्गो शिप। कार्गो शिप के चालक दल में 15 भारतीय शामिल हैं। आपको बता दें एमवी लीला नॉरफॉक जहाज को अगवा किया गया है। तो भारतीयों को छुड़ाने के लिए तमाम कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। इसी खबर पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आशीष, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट कल शाम को शुरुआत हुई अखिलेश, जब मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफॉक पर सोमाली पायरेट्स ने, 5 से 6 सोमाली पायरेट्स ने अटैक किया, और उसके तुरंत बाद ही कुछ ही मिनट लगे इन सोमाली पायरेट्स को उस मर्चेंट वेसल पर पूरी तरह से काबू पाने में। उसके बाद होना क्या था, तुरंत उस मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफॉक ने सीधे UKMTO यानी कि एक तरह से समंदर में जब भी मर्चेंट वेसल को किसी तरह की मदद चाहिए, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स और कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स बनाए होते हैं, तो यूके के एमटीओ को उन्होंने तुरंत अप्रोच किया। उसके बाद में इंडियन नेवी ने दो चीजें डिप्लॉय की। पहला, एक MPA यानी कि मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग P-8I है, वो तुरंत फ्लाई किया, और आज सुबह 5 तारीख की सुबह यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए तड़के सुबह, उस मर्चेंट वेसल जो कि हाईजैक हुआ है, जिस पर 15 भारतीय हैं, ये शिप भारत का नहीं है, ये एक लाइबेरिया देश का शिप है, वहाँ से ऑपरेट होता है, उसके मालिक वहाँ पर हैं, लेकिन जो क्रू है वो भारतीय, और इसीलिए 15 भारतीयों को किसी तरह से जो इंडियन नेवी का बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है उनकी सुरक्षा को लेकर तुरंत ही उस मर्चेंट वेसल पर जिस पर काबू पा लिया गया है सोमाली पायरेट्स द्वारा, संपर्क साधा गया, रेडियो स्टैब्लिश, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया गया, और जैसे ही इस बात की संतुष्टि कर ली गई कि सोमाली पायरेट्स ने किसी भारतीय को अभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, INS चेन्नई को जो कि उसी एरिया के आसपास में था उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब INS चेन्नई, जब हम खबर ये दर्शकों को बता रहे हैं, मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफॉक के काफी नजदीक है और उसे फॉलो कर रहा है। ऐसे में किसी तरह का ऑपरेशन लॉन्च करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जब आप सोमाली पायरेट्स जिनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेके AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी होते हैं, वो बंधक बना चुके हैं पूरे जहाज को। आशीष, सिर्फ लूटपाट ही मकसद है या किसी तरह की कोई डिमांड भी रखी गई है, इस बाबत भी कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए, दो तरह के पायरेट्स होते हैं, एक नाइजीरिया के समंदर के पास में होते हैं, वहां पर जो लूटपाट होती है ऑन द स्पॉट वो करते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन जो सोमाली पायरेट्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो फिरौती मांगते हैं, और वो फिरौती मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में की जाती है। अब वो करेंगे ये, जो पैटर्न देखा गया है 2008-09 में भी
इसी तरह से समुद्री लुटेरे जो सोमाली पायरेट्स हैं उनका खौफ काफी ज्यादा बढ़ा था, अब वो ले जाएंगे सोमालिया के पास, वहां पर उन क्रू के फैमिली मेंबर से एस्टैब्लिश कराएंगे और फिर उस कंपनी के मालिक से वो फिरौती मांगेंगे जो कि मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में भी होती है, उस क्रू को और उस शिप को छोड़ने के एवज में। ठीक है आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, फिर एक्टिव हुए नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की है उन्होंने, गठबंधन के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं, फिर से एक्टिव हो गए हैं और खबर हमें यह मिल रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, गठबंधन में जल्द सीट का बंटवारा हो, यह डिमांड तो जेडीयू पहले से कर ही रही है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक से उन्होंने बात की है। और इंडिया में तेरी मेरी कहानी, इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है जरा वो समझिए, कैसे ये जो नाम हमने दिया है तेरी मेरी कहानी, समझिए आप, जैसे इसे चर्चित चेहरा नीतीश कुमार, जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं है नीतीश कुमार को लेकर, लगातार उनकी तरफ से भी उनकी पार्टी की तरफ से भी प्रेशर लगातार डाला जा रहा है। और चर्चित चेहरे की हम बात करें, ममता बनर्जी हैं बंगाल में बड़ी पार्टी का इनका दावा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी संयोजक हो सकती हैं राहुल गांधी चर्चित चेहरे के तौर पर, तीसरा बड़ा नाम, 14 जनवरी से यात्रा पर, इंडिया पर फैसले में खामोशी, यानी कि 14 जनवरी से अपनी यात्रा पर तो निकल रहे हैं लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उसके फैसले अभी तक हुए नहीं है, उस पर खामोश है। सवाल ये कि ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह कैसे आसान हो पाएगी। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए, अभिषेक तीन चेहरों का हमने जिक्र किया, तीनों की अलग अलग प्रायोरिटी प्राथमिकता नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की जो राह है आपको लग रहा है कि ये चीजें संभवती दिख रही आने वाले दिनों में? देखिए बैकडोर टॉक्स चल रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, अखिलेश की बातचीत चल रही है और खासतौर पे वहाँ के लिए बातचीत चल रही है जहाँ पर मामला फंसा हुआ है, बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, जहाँ पर सहमति नहीं है, इनफैक्ट यूपी तक में सहमति नहीं है, जो समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही है उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, वहाँ के लिए बात चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये, आपने जो तीन चेहरों की बात की, देखिए वहाँ पर नीतीश कुमार का दावा इसलिए भी मजबूत हो जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जिन जिन राज्यों में, मैक्सिमम राज्य हैं जहाँ कांग्रेस से टकराव है, बंगाल में कांग्रेस से टकराव है, केरल में कांग्रेस से टकराव है, आप यूपी में आ जाइए कांग्रेस से टकराव है, बिहार में भी कांग्रेस अपना हिस्सा मांग रही है, पंजाब में भी कांग्रेस से टकराव है, दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी का तालमेल का एक समस्या है, तो कांग्रेस का स्टेक हर जगह है, तो नेचुरली है कांग्रेस का अगर कन्वीनर हो जाएगा तो यह बात बनेगी नहीं, कन्वीनर तो फिर न्यूट्रल पोजिशन में ही जाएगा और उसके लिए नीतीश कुमार सबसे मुफीद नाम है और इसीलिए नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी एक इशू है, देखिए नीतीश कुमार ने एक बात क्लियर कर दी, हमारी जानकारी यह कहती है वो ये चाहते हैं कि सर्वसम्मति हो तब वो कन्वीनर बने, वो बहुमत की राय पे कन्वीनर नहीं बनना चाहते, ये भी एक मसला फंसा हुआ है और इन सब के बीच में फंसी हुई है सीट शेयरिंग का मसला, जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी ये दूर की कौड़ी है। इंडिया गठबंधन की राह में अब कांटे क्या क्या है ये भी दर्शकों को हम जरा समझा देते हैं कि किस वजह से दिक्कत आ रही है, आपके सामने वो तमाम जानकारियां पूरा विश्लेषण है इंडिया गठबंधन की राह के कांटों पर अगर आप नजर डालें। सबसे पहली बात तो यह कि ना संयोजक अब तक तय नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो नहीं पाया है, ना सीट शेयरिंग हुई है, ना अंदरूनी कलह अभी बंद है, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कई नेता बयान भी देते नजर आ जाते हैं कई मौकों पर, एक राय है नहीं, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया है, हाथ मिले तो हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं कि दिल मिले हैं, तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो राह है क्या समस्या का समाधान निकल पाएगा सीट शेयरिंग को लेकर या बाकी जो समस्याएं हैं, हमें आशीष कुमार सिंह इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष ये दिक्कत आ क्यों रही, इतना वक्त क्यों लग रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर है और इंडिया गठबंधन में कोई रास्ता ही बनता नहीं दिख रहा है, सामंजस्य ही नहीं है। देखिए मोस्टली तो आप और अभिषेक डिस्कस कर लिया, उन्होंने उस स्टेट्स के नाम भी ले लिए जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है और शायद यही वजह है, दो रोज पहले हमारे कॉलीग जैनेन ने यह खबर ब्रेक करी थी कि 8 से 9 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गुंजाइश बनती दिख रही है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में अमंग्स देम सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट हो सके, उसमें भी मैं कह रहा हूं कि 9 से घट के मुझे लगता 8 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मुझे अलायंस होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर भी बड़ा अक्यूट टकराव है, लेकिन जो इंटेंट है उसके मुताबिक कम से कम जो तय हुआ है नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में उसमें इन 8 से 9 राज्यों में
पूरी कोशिश जरूर की जाएगी कि किसी तरह से सामंजस्य बिठाया जाए। हाउएवर अखिलेश, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, और मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे सीट शेयरिंग की बातचीत चलेगी, ऐसे कई प्रमुख अहम राज्य होंगे जहां पर संभव है कि ये टॉक्स पूरी तरह फेल कर जाए और जो रिस्पेक्टिव स्टेट की पार्टीज हैं प्लस कांग्रेस नेशनल पार्टी, इनको अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्रीएम्प्ट करना या उस कंक्लूजन पर पहुंच जाना बहुत जल्दीबाजी होगी। कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे के साथ टकराव है, कोशिश है, और हमारी जानकारी के मुताबिक कल या परसों, संभव है परसों से नेशनल अलायंस कमेटी जो बनाई है कांग्रेस ने, वो तमाम क्षेत्रीय दलों से राज्यवार यानी स्टेट वाइज अलायंसेस पर बातचीत शुरू करेगी। आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। हाँ, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, दर्शकों तक हर जानकारी हम पहुंचाएंगे। दरअसल जेडीयू की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर भी एक बड़ा इशारा किया गया है। खड़गे को पीएम उम्मीदवार मान रहे हैं जेडीयू के नेता। अशोक चौधरी ने कहा, खड़गे पर इंडिया में बात हो, नीतीश की इमेज गिराने की कोशिश, ये कहना अशोक चौधरी का। नीतीश जी टाइगर हैं और अभी जिंदा हैं। तो जेडीयू की तरफ से इंडिया को लेकर एक बड़ा इशारा। हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ, कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वेनर होंगे, उनको बना दिया था। सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीटों की साझेदारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। ये पार्टी है इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है परसों से, 7 तारीख से 7, 8, 9 को। सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, नीतीश जी टाइगर हैं और अभी जिंदा हैं, इस तरह की बातें कहने का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, बहुत सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार को, चूंकि वो उनका जो स्टेक है वो बिहार में है, लेकिन आप सोचिए इस इंडिया अलायंस की जो नींव पड़ी है, उस नींव में नीतीश कुमार हैं। आप याद कीजिए जो पटना की पहली बैठक याद कीजिए, तो नीतीश कुमार का वो जो स्टेक था, उस स्टेक को और ज़्यादा बिल्डअप करने की कोशिश है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो गैर कांग्रेस बात चलता है, जब भी कोई अलायंस बनता है तो उसमें गैर कांग्रेस बात की छवि एक ध्वनि रहती है, चाहे वो यूपीए 1 रहा हो या यूपीए 2 रहा हो, तो उस गैर कांग्रेस बात की अगुआ अगर कोई है तो नीतीश कुमार हैं, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको दोहरा दूं, अखिलेश, जितनी देर से आप ये सवाल आप कर रहे थे कि कौन किससे नाराज है, कौन किससे खफा है, तो आप चूंकि शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, तो निदा फाजली का एक शेर सुना दूं जो इसमें एकदम माकूल बैठता है। वो यही है कि दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये इसी पूरा इसी पैटर्न पर ये बढ़ रहा है गठबंधन, हाथ मिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी, ताकि एक प्रोजेक्शन जाए कि हम एक हैं। और ये जो प्रोजेक्शन है और जो रियलिटी है, उसका जो फासला है, वही इस गठबंधन का अंतिम सच है। बिल्कुल जो आपने सुनाया बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल सही नजर आ रही है चीज। दरअसल इंडिया में सीट शेयरिंग पर भी हलचल तेज है। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी ने बात की है, गठबंधन के सहयोगी दलों से बात हुई है। पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी से संपर्क किया गया है, यह भी सूत्र हमें बता रहे हैं। इंडिया की बैठक का वक्त तय नहीं हुआ है, हालांकि कल खड़गे को कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हुई है, और इसका प्रारूप क्या होगा आपको समझाएंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर के आप जिक्र कर रहे थे अखिलेश थोड़ी देर पहले भी, और अभी भी आपने कहा इंडिया अलायंस की बैठक कोशिश की जा रही अगले हफ्ते हो जाए और नीतीश कुमार को कन्वीनर घोषित कर दिया जाए। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि नीतीश कुमार को कन्वीनर घोषित किया जाएगा, इसको लेके लार्जर सहमति बन चुकी है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स से बातचीत चल रही है, अगले हफ्ते संभव है किसी भी दिन ये बैठक कम से कम ऑनलाइन जूम के जरिए हो सकती है और उसमें इसकी घोषणा कर दी जाए। लार्जर सहमति मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक इसको लेकर के ममता बनर्जी से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, उस बाबत चर्चाएं चल रही है। लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं कि नीतीश कुमार को इस बात की प्रबल संभावना है कि अर्ली नेक्स्ट वीक बैठक बुला करके कन्वीनर घोषित कर दिया जाए। रही बात सीट शेयरिंग की, तो जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था अखिलेश कि नेशनल अलायंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जो आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज हमारे व्यूअर्स को दी है। इसके बाद संभव है कि अगले दो दिनों में शुरू हो जाएगी राज्य में जो दूसरी एलाइज हैं, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ सिलसिलेवार एक एक करके, और ये सारी
बैठकें बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में होगी, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके बड़े नेता यहां आकर के बात करेंगे। पहली राउंड टॉक्स होगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सीनियर लीडरशिप आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया अगले दो दिनों के बाद जल्द से जल्द शुरू होने की गुंजाइश है, क्योंकि आपको पता है ये तय हुआ था पिछली बार की बैठक में कि कोशिश करके किसी तरह से 20 तारीख तक अलायंसेस कंप्लीट कर लिया जाए। किन राज्यों में ये कर पाएंगे, किन में नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अब दूसरे खेमे की बात कर लेते हैं। 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान नजर आ रहा है। आज राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिनों का जयपुर का दौरा है। पार्टी दफ्तर पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक करने वाले हैं, पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। 6-7 जनवरी को डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्लूप्रिंट बीजेपी का नजर आ रहा है चुनाव जीतने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिनों का यह जयपुर दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण। 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान सामने आ रहा है। यह मेगा प्लान क्या है आपको और विस्तार से बताएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, देखिए सबसे अहम बात यह है अखिलेश इसमें, और कि राजस्थान एक एग्जाम्पल है, और आप ये समझिए जहां पर 100% स्ट्राइक है वहां पर बीजेपी की ये तैयारी है। ये जो आप देर से हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसका और बीजेपी का फर्क यही समझ में आ जाता है। जो पीएम जो पहली बार लगातार जा रहे हैं, उसमें वो संगठन से बात करेंगे, वो सरकार का पूरा जो खाका है उसको, उसकी तैयारी को देखेंगे 2024 को लेकर के। जो आईजी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लूपहोल से संगठन के उनको तैयार किया जाएगा। और एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि वहां पर अभी जो नई सरकार बनी है अखिलेश, उसमें ये एक ओपन सीक्रेट है कि वसुंधरा राजे के जो लॉयलिस्ट हैं, चाहे वो कालीचरण सर्राफ हों या दूसरे उनके जो काफी करीबी लोग हों, उनको नहीं जगह मिली है। प्रताप सिंघवी की मैं बात कर रहा हूं, उनको जगह नहीं मिली है। तो ऐसे में जाहिर सी बात असंतोष वहां पर होगा ही होगा। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने की कोशिश, और पीएम का खुद वही जाना, ये वहां पर जाना, ये बताता है कि बीजेपी जहां 100% स्ट्राइक रही है उसे कितना सीरियसली ले रही है उन जगहों को भी। बिल्कुल, और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी कैसे बिना रुके बिना थके इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनके सामने इंडिया गठबंधन है उसका क्या हाल है वो खबर भी दर्शकों तक हम पहुंचाई रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बंगाल से लेकर राजस्थान तक बीजेपी का चौतरफा प्लान कैसे नजर आ रहा है। 5-7 जनवरी 2024 जयपुर में प्रधानमंत्री पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। 5 जनवरी 2024 हिमाचल में जेपी नड्डा यानी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा पर, एक तरीके से वार के तौर पर इसे देखा जा रहा है, उसकी काट के तौर पर। दिसंबर 2023 बंगाल में जेपी नड्डा चुनाव प्रबंधन टीम उन्होंने बनाई जब वहां गए थे। दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, बिहार में अमित शाह पहुंचे थे जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक वहां पर ली गई थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कैसे तमाम तरीके से अगर आप देखें तो बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर दिख रही है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई उन्होंने दी, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। तो तमाम तलखियों के बावजूद आप देखिए जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी को बधाई दी गई। और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आशीष, अभी हम दिखा रहे थे कि कैसे बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है, अलग अलग राज्यों में उनके बड़े नेता पहुंच रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, कई दौर की बैठक हो भी चुकी है। ऐसी तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन इस वक्त कहां नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन के लिए जो आपसी इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हम और आप बात कर रहे हैं अखिलेश, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती तो है ही, और अगर प्रधानमंत्री की तैयारियों और बीजेपी की तैयारियों से और आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर लगेगा कि जो टास्क है इंडिया गठबंधन के साथ के सामने वो और भी ज्यादा कहीं कठिन हो जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती कि आखिर आपस में सामंजस्य जो सीट शेयरिंग का लेकर के है उसको कैसे बिठाया जाए, और उसी की एक्सरसाइज जो मैं आपसे बता रहा था कि 2 रोज के बाद शुरू होना है। अगर सफल हुए तो कोई चुनौती दे पाएंगे, अगर सफल नहीं हुए तो मुझे लगता है कि टकराना बीजेपी से और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है। आई थिंक यही एक कंसर्न है जिस वजह से आपसी राय के साथ ये भी तय किया जा रहा है कि भाई किसी तरह से ये इंश्योर करो कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर ना निकल जाए, उनको कन्वीनर डिक्लेयर कर दिया जाए, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो। कितना सफल हो पाएंगे जैसा मैंने आपसे पहले कहा वो देखना होगा आगे चल के कैसा ये प्रारूप लेता है। अब बीजेपी का प्लान तो हमारे दर्शकों ने देखा समझा, आरएसएस की तैयारी क्या है वो भी आपको बताते हैं। मिशन 400 के लिए आरएसएस का पूरा प्लान सामने आ रहा है। विपक्ष के जाति कार्ड की काट के तौर पर अयोध्या में 150 जातियों के संतों को न्योता दिया गया है जो अलग अलग जातियों के हैं। आदिवासी दलित संतों को खासतौर पर बुलावा भेजा गया है,
ये जाति वाला कार्ड जो विपक्ष खेल रहा है उसकी कार्ड। राम मंदिर निर्माण में लगे कारीगरों को न्योता भेजा गया है जो अलग अलग समुदाय से अलग अलग जातियों से आते हैं। 10 ऐसे दानदाता बुलाए गए जो बहुत ही गरीब हैं, गरीब परिवार से आते हैं। आरएसएस वीएचपी का राम मंदिर दर्शन का बकायदा अभियान चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। तो विपक्ष का जो जाति का कार्ड है उसे कैसे तोड़ने की तैयारी में है आरएसएस, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, जाहिर तौर पर आरएसएस को तो बैकबोन की तरह देखते ही है बीजेपी के लिए, अब देखिए आरएसएस का पूरा प्लान भी सामने आ गया है। अखिलेश, ये आरएसएस का जो प्लान है ये आज का नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। आप सोचिए 1989 में जब पहली बार शिलान्यास हुआ था तो वो कामेश्वर चौपाल के हाथों हुआ था। कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते हैं और अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके मेंबर भी हैं। तो 1989 में ही वो मैसेज दे दिया गया था कि जो पहला शिला रखी गई है वो एक दलित के जरिए रखी गई है। ये तब से था और तब से लेकर के अब तक इसी को बिल्डअप किया जा रहा है। ये जो इस प्राण प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं, इसमें वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर, वहां से पुजारियों को बुलाया जा रहा है इसी मैसेज को पुख्ता करने के लिए। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि देश में जो 6700 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक से एक सदस्य आएगा। इस समय देश में जितने राज्य हैं हर राज्य से पुजारी बुलाए जा रहे हैं और ये वैदिक पुजारी अलग अलग शाखाओं के, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समाज से, उन सबको बुलाया जा रहा है। और बीएचपी के 1 लाख जो कार्यकर्ता, जो आरएसएस का ही अनुसांगी संगठन है, वो 45 स्टेट, जो बीएचपी स्टेट से 45, वहां पर घर घर जाएंगे। तो इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम किया जा रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। आशीष कुमार सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।